हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट हायर पावर यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। तो आपके एग्जाम में सिंपल सा कैलकुलेटर आपको दिया होता है इस टाइप का, तो इस तरीके के सिंपल कैलकुलेटर की हेल्प से कैसे आप लोग जो है हायर पावर को सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन सी हायर पावर हमें जनरली पूछी जाती है, जैसे आपका अकाउंटिंग का एग्जाम है उसमें जब हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो 180 मंथ्स यानी 180 पावर या 240 इतनी हायर पावर हमें सॉल्व करनी होती है। तो उस तरह के क्वेश्चंस में हमें इस तरह के मेथड की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर आपको सॉल्व करना है 1.01 का पावर 200 या फिर आपको सॉल्व करना है 1.01 का पावर 500 या 1.01 का पावर 1000, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन फर्क है इससे पड़ता है कि 1000 है, 500 है, 200 है, इतनी बड़ी बड़ी हायर पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही चीज आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वीडियो बहुत बड़ा नहीं रहेगा, ज्यादातर 5 या 6 मिनट में मैं आपको ये वाला टॉपिक करा दूंगी। बहुत सिंपल टॉपिक है, मैं आपको एक ट्रिक से कराऊंगी ताकि आप लोगों को याद रहे वो, ठीक है। ट्रिक्स आपको याद रहेगा, ज्यादा आपको दिमाग में कुछ से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ट्रिक्स से इस मेथड को याद आपको हो जाएगा। चलिए पहले सिंपल से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। पहले स्मॉल पावर लेंगे जैसे 16, 24 और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी पावर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। मेथड आपका सेम रहने वाला है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 2 की पावर 16, बहुत छोटा सा हमने लिया 16, सिर्फ 16 से हम शुरू कर रहे हैं। 2 की पावर 16 है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, उस ट्रिक को याद करके आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 16 है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, जो 16 है इसके मल्टीपल्स बनाने हैं। मल्टीपल्स कैसे होने चाहिए वो आपकी मर्जी, जैसा आपका मन करता है वैसे मल्टीपल्स बना सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, 2 की पावर 16 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 4, ठीक है। तो 4 × 4 16 होता है। तो हमें पहला काम क्या करना है कि जैसे 16 है, ये बहुत बड़ा नंबर है, या फिर बाद में हमारा 240 होगा या 500, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इतने बड़े नंबर को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके मल्टीपल्स बना लीजिए। तो 16 का जो 16 है उसको हमने 4 × 4 लिखा, तो 4 × 4 यानी 16 हो गया। तो अब हमें ये सॉल्व करना है 2 की पावर 4 × 4, ये हमारा काम है, ठीक है। तो सॉल्व करने की ट्रिक समझिए फ्रेंड्स। ट्रिक में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपको नंबर्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जो भी पावर्स है, ठीक है, ये क्या है, ये पावर्स है, 2 की पावर है ये। तो जो भी आपकी पावर है आप उसको एज्यूम कीजिए कि ये आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त ही आपकी पावर है ना, तो एज्यूम कीजिए कि ये आपके फ्रेंड्स है। तो 2 कौन है, 2 आप खुद को एज्यूम कर लीजिए, आपका नाम है 2, तो आप 2 है और आपके दो दोस्त है, पहला दोस्त का नाम है 4 और दूसरे दोस्त का नाम है 4। तो आपका काम है अपने दोस्तों से मिलने जाना, आप कौन है 2 और आप किससे मिलने चाहेंगे। और ये आपके जो दोस्त है अलग अलग घरों में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सभी दोस्त एक ही घर, सबके घर अलग अलग होते हैं ना, तो सेम ऐसे यहाँ पे आपको एज्यूम करना है कि आपका पहला दोस्त अलग रहता है और दूसरा दोस्त अलग रहता है। बाद में हम और मल्टीपल्स बनाएंगे तो आपके 4 दोस्त 5 दोस्त कितने भी आपके हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो छोटा सा हमने लिया यहाँ पे आपके 2 ही दोस्त हैं 4 × 4। तो अब आपको क्या करना है, अपने दोनों दोस्तों से मिलने जाना है, ठीक है। ये इसको एक स्टोरी की तरह याद रखिए, आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। तो आपके दोस्त कौन है 4 × 4। तो चलिए आप मिलने कैसे जाते हैं, तो पहले आप है, आप कौन है 2 है। जब भी आप किसी दोस्त से मिलने जाते हैं तो आप कैसे जाते हैं, आप चल के जाते हैं, ठीक है, चल के जाते हैं। अज्यूम करना है कि आप चल के जाना है, तो चलने के लिए ये वाला साइन है, इसको अपने जूते अज्यूम कर लीजिए या सैंडल अज्यूम कर लीजिए। तो आप चल के जा रहे हैं, ये आपके सैंडल्स है, इस तरह से आप चल के जा रहे हैं। तो ये जो दो मल्टीपल के साइन है ये क्या है, ये आपके जूते हैं या सैंडल्स, आप कुछ भी इसको अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर अब क्या होगा, जब भी आप जिस दोस्त से मिलोगे उसको आप क्या करते हैं, आप करते हैं उनको हैंडशेक, ठीक है, एक हाथ से आप हैंडशेक करते हैं। तो ये आपका एक हाथ है, इसको अगर आप बनाएंगे तो ये आपका हाथ बन जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इक्वल का जो साइन है वो क्या है, आप क्या कर रहे हैं उनको हैंडशेक कर रहे हैं। बस स्टोरी इतनी है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले दोस्तों से मिलने जाना है, तो आप चल के जाएंगे, तो एक बार ही आप चल के जाएंगे, मतलब एक ही बार आपको ये साइन लगाना है, ठीक है। तो आप चल के जा रहे हैं, तो चल के जाने का सिंबल क्या है, ये साइन है, और फिर आप उनसे हैंडशेक करते हैं, तो हैंडशेक का साइन ये है, क्योंकि जब भी आप इक्वल देखते हैं तो इक्वल को देख के ऐसा नहीं लगता जैसे हैंडशेक का साइन हो, ठीक है। तो ये आपके हाथ है और ये आपका इक्वल का साइन है। आपको कितने बार हैंडशेक करना है, तो जैसे आप दोस्त के घर पे जाओगे तो वो आपको एक बार हैंडशेक करेगा और बदले में आपको बाकी के हैंडशेक करेंगे। जैसे 4 है तो 4 दोस्त में दोस्त एक बार करेगा और बाकी 3 बार आपको हैंडशेक करना है। ऐसे ये वाला दोस्त भी 4 है तो वो एक बार हैंडशेक करेगा, आप 3 बार करोगे, यानी कुल मिला के जितना भी यहाँ नंबर दिया गया उसमें से एक कम करना है। वो एक कम क्यों करना है, क्योंकि वो आपको हैंडशेक करेगा, वो आपको नहीं लेना, ये सिर्फ आपकी स्टोरी है, सिर्फ आपके बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ आप कितने हैंडशेक करोगे वो हमें लेना है, ठीक है। तो 4 है तो 3 बार हैंडशेक होगा, ये 4 है तो 3 बार हैंडशेक होगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 होता तो 6 बार हैंडशेक करते हैं, मान लीजिए 10 होता तो 9 बार हैंडशेक करते हैं, मान लीजिए 20 होता तो 19 बार आप हैंडशेक करते हैं, मान लीजिए 500 होता तो 499 आप हैंडशेक करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा क्योंकि मल्टीपल्स करके इसको छोटा बना लेते हैं। चलिए ये स्टोरी और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम कैलकुलेटर में देखते हैं कि इस स्टोरी को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो उसको मैं एक बार लिख लेती हूँ कि पहले 2 आप हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, 4 दोस्त से मिलने जाएंगे। तो मिलने के लिए पहले स्टेप में क्या होगा,
मिलने के लिए ये साइन है ना कि आप चल के जा रहे हैं, आपके सैंडल या जूते का साइन है ऐसे करके। ठीक है, चलिए आप मिलने जा रहे हैं, तो दोस्त पहले आप चार दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो चलने के लिए क्या करोगे आप, ऐसे वाला साइन लगाओगे। फिर चार से आप कितने बार, तीन बार हैंडशेक करोगे, तो इक्वल का साइन हमें कितना लगाना है, तीन टाइम्स लगाना। स्टेप नंबर वन ये हो गया। फिर अगले स्टेप में आप दूसरे दोस्त से मिलने जाओगे, तो पहले दोस्त के घर से आप बाहर जाओगे, फिर दूसरे दोस्त से मिलने जाओगे, तो मिलने जाओगे तो फिर से आप चल के जाओगे, तो चलने का आपका ये साइन है, और चार दोस्त से भी आपको तीन बार हैंडशेक करना। बस इसके साथ आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो आप कौन है, पहले आपको लिखेंगे, आप है टू, तो टू को लिखते हैं यहाँ पे। फिर क्या करना है हमें, आप अपने दोस्त फोर से मिलने जा रहे हैं, तो मिलने के लिए आप कैसे चल के जाओगे, तो चलने के लिए क्या साइन है, आपके जूतों का साइन है या सैंडल का, दो बार मल्टीपल। ठीक है, फिर आप चार से क्या करो, आप चल के पहुंच गए वहां पे, अब आप उसे तीन बार हैंडशेक करोगे, तो हैंडशेक के लिए कौन सा साइन था फ्रेंड्स, वो था इक्वल का साइन। ठीक है, तो तीन बार होगा, एक दो तीन, हो चुका है। ठीक है, तो 2 की पावर 4, अब आप पहले दोस्त से मिल चुके, अब आप दूसरे दोस्त फोर के पास जा रहे हो, तो अब आप अगले घर जाओगे, फिर से आप चल के जाओगे, तो चलने का ये साइन है, और फिर तीन बार आप हैंडशेक करोगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, 6 5 5 3 6, 6 5 5 3 6, यानी 2 का पावर 16 का आंसर कितना होता है, ये होता है 6 5 5 3 6। तो ये आंसर पहला आ चुका है। इसके साथ ये जो एक है ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे हम लोग 5 6 नंबर देख लेंगे छोटे छोटे, उससे आपको ये ट्रिक भी साथ साथ याद होती चलेगी। ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल है, आप है, आप जिस भी दोस्त से मिलने जाओगे, तो पहले चलने का साइन है, चलने का ये साइन आपके सैंडल या जूतों का ये साइन रहेगा। ठीक है, दो बार मल्टीपल। फिर जब भी आप दोस्त से मिलने जाते हो, तो आप क्या करते हो, हैंडशेक करते हो, कितने बार, एक बार वो करेगा, बाकी टाइम आप करोगे, जैसे चार है तो तीन बार हैंडशेक, तो हैंडशेक के लिए ये वाला साइन रहता है इक्वल का। ठीक है, ये अगर आप इक्वल को चाहे तो इस तरह से आप हैंड बना सकते हैं, तो याद रखने का ट्रिक है कि आप इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। अब हम अगले पे आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा पावर ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपको सॉल्व करना है ये अगला न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 आपको सॉल्व करना है, मान लीजिए 1.1 का पावर 90। ईएमआई वाले में जाता है, हमारे पॉइंट वाली वैल्यू में मिलती है, तो 1.1 का पावर 90 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 का पावर 190 को सॉल्व करने के लिए हमें 90 के मल्टीपल्स बनाने पड़ेंगे। तो 90 के मल्टीपल्स हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, तो हमारा काम है 90 के मल्टीपल्स बनाना। तो 90 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 10 × 9, 10 × 9 क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, इसके और भी आप थोड़े ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। तो इस तरह से अपने हिसाब से आपने इनके मल्टीपल्स बना लिए। ठीक है, तो 90 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 2 × 3 × 3, तो उससे हमारा 90 आएगा। तो यानी अब आपके कितने, चार दोस्त हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में आप चार दोस्तों से मिलने जाएंगे। ठीक है, आप कौन है, आप है 1.1, तो 90 को हमने लिखा 5 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ट्रिक क्या है, हम हर हर दोस्त से मिलने जाएंगे, इस बार आपका आपके चार दोस्त, आप चारों दोस्तों से मिलोगे बारी बारी से। जब भी आप किसी दोस्त से मिलने जाते हो, तो ये वाला साइन पहले लगाना है, और उसके बाद आपको हैंडशेक करना है। तो हैंडशेक कैसे करते हैं, जितना भी नंबर है एक कम करना है, जैसे 5 है तो इसे आप 4 बार हैंडशेक करोगे, 2 है तो उसे 1 बार हैंडशेक करोगे, 3 है तो उसे 2 बार करोगे, और जो 3 है उसे भी 2 बार हैंडशेक करोगे। हैंडशेक का साइन क्या होता है, इक्वल का साइन होता है। ठीक है, बस इतना सा, और इसके साथ ये न्यूमेरिकल भी आपका हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको देखेंगे, आप है 1.1, तो 1.1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, आप पहले दोस्त से मिलने जा रहे हो 5, तो चलने का साइन क्या है, चलने का आपके शूज का साइन है मल्टीपल, 1 2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उससे हैंडशेक करोगे, तो 4 बार हैंडशेक होगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो चुका है, ये खत्म हो गया। अब हम 2 पे आएंगे, तो अब इस घर से अगले घर निकलोगे, तो निकलने के लिए फिर से वही 2 बार मल्टीपल का साइन, 1 2। फिर आप 2 के घर पहुंच चुके होगे, 2 से आप 1 ही बार हैंडशेक करोगे इक्वल, 2 से भी आप मिल चुके, अब 3 का नंबर आएगा। ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट जो 3 है, 3 से आप मिलने जाएंगे, तो 3 से मिलने के लिए फिर से आप क्या करोगे, 2 चल के जाओगे, तो चलने के लिए आपके मल्टीपल का साइन, 1 2। फिर 3 से आप 2 बार हैंडशेक करोगे, तो 2 बार इक्वल का साइन, 1 2। तीसरे से भी मिलिए, लास्ट जो आपका फ्रेंड है 3, उससे मिलने जाओगे, तो चलने के लिए क्या साइन है, मल्टीपल का साइन, 2 बार, 1 2, और 3 से आप 2 बार हैंडशेक करोगे, 1 2। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5313.0226। तो आंसर कितना आ गया, 5313.0226। तो ये हमारा 1.1 का पावर 90 का आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। और ये जो दोस्तों से मिलना, हैंडशेक करना, तो इससे क्या कि याद रहता है कि कब हमें मल्टीपल लगाना है, कब हमें इक्वल लगाना है, तो इस ट्रिक से आपको आसानी से याद रहेगा। दो न्यूमेरिकल हो चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं इसी वाले मेथड से। अब थोड़ा और बड़ा पावर ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1.01 का पावर
200 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1.01 रखा, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, आंसर आपका सेम ही आना, ट्रिक वही यूज करें। जो मेन है वो आपको पावर देखनी है, ये तो आप कुछ भी लिखेंगे, आप तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप 2 है, 4 है, या 1.01 है, या 2000 है, या यहाँ पे 1 लाख, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो आपके नुमेरिकल में जो भी होगा उस तरह से रहेगा। तो 200 को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो 200 को हम कैसे करेंगे, इसके मल्टीपल्स बनाएंगे पहले। तो 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 × 10, 20 × 10 का मतलब 200, फिर 20 × 10 के और हम लोग मल्टीपल्स बनाएंगे। तो 20 × 10 के मल्टीपल्स और क्या होंगे, 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4, और 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2, ठीक है। ये एक और मल्टीपल हमने बना लिया, 5 × 4, 5 × 2, बस इतने मल्टीपल्स बहुत है, 5 × 4 × 5 × 2, तो ये चार 200 से आपसे मिलना है, आपको मिलना है, और 200 के ही हमारे मल्टीपल्स होंगे। तो बस अब इसको मैं सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, 1.01 का पावर 200 को सॉल्व करना है। तो 200 के मल्टीपल्स है 5 × 4 × 5 × 2, ठीक है। अब हम इस वाले मल्टीपल से सॉल्व करेंगे। तो आप कौन है, आप है 1.01, आपके दोस्त कौन है, आपके चार दोस्त है यहाँ पे 5, 4, 5, 2, आपको चारों से बारी बारी मिलने जा रहे हैं, चारों लोग अलग अलग घर पे रहते हैं, ठीक है। तो कैसे आप मिलने जाओगे, तो जब भी आप चल के, पहले मिलने से क्या करोगे, पहले आप चल के जाओगे, तो चलने के लिए ये वाला साइन है, फिर आप क्या करोगे, 5 है तो 4 बार इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। फिर अगले दोस्त के पास जाओगे, फिर चल के जाओगे, फिर 4 है तो 3 बार इक्वल का साइन लगेगा, फिर तीसरे दोस्त के पास चल के जाओगे, 5 है तो 4 बार इक्वल का साइन लगेगा, और लास्ट में जो दो दोस्त है उसके पास भी चल के जाओगे, और फिर 1 ही बार इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है। बस यही हमें कैलकुलेटर में करना है और आंसर आ जाएगा। ले लेते हैं सिंपल कैलकुलेटर। तो पहले आपको लिखेंगे, आप कौन है, आप है 1.01, 1.01। सो फ्रेंड्स आपको लिख लिया गया, अब आप क्या करेंगे, आप अपने पहले दोस्त 5 से मिलने जाओगे, तो मिलने के लिए क्या है, चल के जाओगे, तो चलने का क्या साइन है, 1, 2, तो। फिर 4 बार आप हैंडशेक करोगे, 2, 3, 4, पहले दोस्त का मिल लिया आप, अब सेकेंड नंबर आएगा 4 का, तो चलने के क्या साइन है, फिर 4 को आप 3 बार हैंडशेक करोगे, 1, 2, 3, फिर दूसरे दोस्त से भी आप मिल लिया, तीसरे दोस्त से फिर आप चल के जाओगे, 1, 2, 5 है तो 4 बार हैंडशेक करोगे, 1, 2, 3, 4, और लास्ट दोस्त से मिलने के बाद आप 1 बार हैंडशेक करोगे, तो लास्ट दोस्त से मिलने के लिए आप चल के जाओगे, तो 2 बार चलने का साइन, और फिर ये आपका 1 बार, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.3160। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 7.3160, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1.01 का पावर 200 का। तो 1.01 का पावर 200 का आंसर कितना आ जाएगा, 7.3160। इसके साथ ये जो तीसरा जो फ्रैक्शन था आपका, जो तीसरा जो पावर वाला जो मार्कर था, क्वेश्चन था सॉरी, वो यहाँ पे कंप्लीट इसमें हो गया। दो तीन और ले लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, और थोड़ी पावर्स और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यही है 1.01, और इसका पावर हमें क्या चाहिए, अब हमें 1.01 का पावर कितना चाहिए, ये चाहिए हमें 500। तो अब हम 500 का पावर सॉल्व करेंगे, ठीक है, 500 करेंगे और देखेंगे कैसे आंसर आता है। तो हमें चाहिए 1.01 का पावर 500, तो हम लोग क्या करेंगे, 500 के मल्टीपल्स बना लेंगे। तो 500 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 50 × 10, ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 × 10 आपका 500 आ जाएगा। 50 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 को आप लिख सकते हैं 10 × 5, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 × 2, इस 10 के और मल्टीपल्स कर लीजिए, 10 को आप लिख सकते हैं 5 × 2 × 5 × 5 × 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 2 5 × 5 × 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार 5 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। हम बस 4 ही फ्रेंड से मिलने जाएंगे, क्योंकि 5 × 5 125 125 × 5 × 4, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 5 25 × 125 × 4, था ये आपका आ जाएगा 500, ठीक है। तो हमने जो है 500 के मल्टीपल बना लिया, जो कि है 1.01 का पावर 5 × 5 × 5 × 4। सेम वही वाला ट्रिक यूज करना है, चारों दोस्तों से बारी बारी से आप मिलोगे, और पहले आप चल के जाओगे, ये वाला साइन लगेगा, और जितने भी वो है एक कम करके आप उनको हैंडशेक करोगे, जैसे 5 है तो 4 बार होगा, बस वही वाली ट्रिक है, इसमें कुछ नया आपके लिए नहीं है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले आपको लिखेंगे, आप है 1.01, 5 दोस्त से मिलने जाओगे तो क्या करोगे, मिलने के लिए पहले आप चल के जाओगे, तो आपके सैंडल या जूते जैसे भी आप जा रहे हो, तो 2 बार ये वाला साइन लगेगा, फिर 4 बार, 5 है तो 4 बार हैंडशेक होगा, 5 से हम लोग मिलिए अगले दोस्त से जाएंगे मिलने, 2, 4 बार, तीसरे दोस्त से मिलने जाएंगे पहले चल के जाएंगे, 2 बार मल्टीपल, और फिर 4 बार इक्वल का साइन, लास्ट दोस्त से मिलने जाएंगे तो चलने के लिए 2 बार मल्टीपल का साइन, और फिर 4 है तो 3 बार से हैंडशेक होगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया 144.77। तो आंसर आ चुका है 144.77, ये किसका आंसर है, ये है 1.01 का पावर 500 का आंसर। एक दो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास है
1.01 का पावर 240 है मान लीजिए, ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। तो 240 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 240 को हम कैसे ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स, 24 इंटू 10 करके कर सकते हैं, ठीक है, 24 इंटू 10, और फिर 24 को भी हम लिख सकते हैं 6 इंटू 4, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। बस वही वाला सेम ट्रिक आपको यूज करना है, कुछ इसमें आपके लिए नया है, मल्टीपल बनाना है। चार दोस्त है, 6, 4, 5, 2, चारों से बारी बारी से आप मिलेंगे, तो कैलकुलेटर लेके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले आपको लिखेंगे, आप कौन है, 1.01, तो पहले कौन है 6, तो 6 से मिलने के लिए पहले आपको चलना पड़ेगा, तो चलने के लिए आपके इक्वल का साइन है, ये आपके आप जूतों से चल के जा रहे हैं तो ये आपके चलने का साइन है, ठीक है, दो जूते हैं तो दो बार आपको ऐसे मल्टीपल का साइन लगाना है, तो दो बार, फिर 6 से 5 बार हैंडशेक होगा, फिर 4 से मिलने से पहले आप चल के जाओगे तो फिर से वही सैंडल का साइन या जूतों का साइन, दो बार मल्टीपल, 4 है तो 3 बार हैंडशेक होगा, 1, 2, 3, फिर नेक्स्ट अगले दोस्त से मिलने जाओगे तो फिर से आप चल के जाओगे तो दो बार मल्टीपल का साइन, 5 है तो 4 बार हैंडशेक होगा, लास्ट वाला जो दो दोस्त है उससे मिलने के लिए चल के जाओगे और एक बार हैंडशेक होगा, तो कितना आ गया, ये आ गया 10.8925, तो आंसर आ गया फ्रेंड्स 10.8925, ये किसका आंसर आया, 1.01 का पावर 240 का आंसर आ गया। एक और सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट 1000 वाला लास्ट सॉल्व करते हैं। वीडियो मुझे लगा था मैं 5 से 6 मिनट का बनाऊंगी, और लेकिन ये आपका देखिए 16 मिनट का हो गया, क्योंकि हमने 4-5 नुमारिकल्स रख लिए तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर कोई नहीं, आपका डाउट इसके बाद इसमें नहीं रहेगा, और आपको ट्रिक मैंने बार बार बताई है ताकि आपके दिमाग में ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी दोस्त से मिलने वाली। तो जब भी हाईएस्ट पावर सॉल्व करनी है तो आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, पावर क्या है, आपके दोस्त आपकी पावर, आपके फ्रेंड्स आपकी पावर, तो इस तरह से आपको याद रखना। तो 1000, अब हमें 1000 को सॉल्व करना है, तो 1000 कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10, ठीक है, और इस 100 को भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, तो यानी 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, ये जो 10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो पहले 10 को हम लिखेंगे 5 इंटू 2, ऐसे दूसरे 10 को भी हम लिखेंगे 5 इंटू 2, और लास्ट वाले 10 को भी हम लिख लेंगे 5 इंटू 2। अब ये जो भी 2 है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये जो 2 दूनी 4, और ये आपका 2, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पे 5 फ्रेंड्स आपके हो गए, ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व, चाहे तो आप 1, 2, 3, 4, 6 करके भी कर सकते हैं, या फिर मैंने 2 इंटू 2 4 कर दिया, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी जैसा आपको ठीक लगे। तो 1.01 का पावर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ये हमारा 1000 वाले का आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे 5 दोस्तों से मिलना है, 1, 2, 3, 4, 5, सेम स्टेप है, पहले आप एक दोस्त से मिलने जाओगे तो पहले आपको ये चल के जाना है, तो चलने का आपका साइन ये है, और जब भी आप मिलोगे तो आप उसको हैंडशेक करोगे, तो जितना भी नंबर है एक कम करना है, जैसे 5 है तो आप 4 ही बार हैंडशेक करोगे, पर हम एक कम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको ऐसे मान के चलना है कि वो भी तो एक बार हैंडशेक करेगा ना, तो ये आप ये यहाँ पे सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की जा रही है, उनकी नहीं की जा रही, तो उनको आपको माइनस करना है, ठीक है, वो एक बार हैंडशेक करेगा और बाकी बार आपको करना है, जैसे 5 है तो 4 बार आपको करना है, कि हाँ 5 है तो 4 बार, इस तरह से चलेगा। कैलकुलेटर में लेके इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, और ये हमारा लास्ट वाला इसमें रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, ये है 1.01, इसका पावर कितना है, इसका पावर है कितना आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, तो यहाँ पे आपके 5 दोस्तों से आपको मिलना है, तो पहले दोस्त 5 से मिलने जाओगे तो दो बार मल्टीपल का साइन, ये आपके चलने का साइन है, फिर 4 बार हैंडशेक होगा, 1, 2, 3, 4, फिर अगले दोस्त से मिलने जाओगे तो दो बार मल्टीपल का साइन, 1, 2, 5 है तो 4 बार हैंडशेक होगा, 1, 2, 3, 4, फिर तीसरे दोस्त से मिलने जाओगे तो चलने का साइन, 1, 2, 5 है तो 4 बार हैंडशेक होगा, फिर अगले दोस्त से मिलने जाओगे तो चलने का साइन, 4 है तो 3 बार हैंडशेक होगा, लास्ट वाले दोस्त से मिलने जाओगे तो चलने का साइन, और 2 है तो 1 बार हैंडशेक होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ चुका है 2959.155, तो आंसर कितना है फ्रेंड्स, 2959.155, ये किसका आंसर है, ये है 1.01 का पावर 1000, 1000 मैंने आपको बहुत बड़ा बता दिया, जनरली जब आप लोग ईएमआई वाले ये सब नुमारिकल करते हैं तो 240, 180 इससे ज्यादा नहीं होता है, बट 1000 तक मैंने आपको पावर जो यहाँ पे सॉल्व करके बताई है। तो इसके साथ ये वीडियो आपका हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे सिंपल से मैंने आपको ट्रिक बताई है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी पावर है उसके मल्टीपल बना लीजिए, और जो भी मल्टीपल है वो आपके फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, मिलने के लिए क्या करोगे, पहले आप चल के जाओगे, हर दोस्त का घर अलग अलग है, तो जब आप 5 से 5 या 5 से 4 अगले दोस्त के घर जाएंगे तो आपको पहले चल के जाना होगा, तो चलने का ये साइन है, ठीक है, आपके जूतों का सैंडल का यही साइन है, उसके बाद जब भी आप जाओगे तो आप हैंडशेक करोगे, तो 4 दोस्त है उसको 3 बार हैंडशेक करना, ठीक है, क्योंकि एक बार तो वो करेगा, बट उसके हैंडशेक को हमें नहीं कंसिडर करना, सिर्फ और सिर्फ ये आप है ना, तो आपके हैंडशेक को ही कंसिडर करना है, हैंडशेक के लिए ये साइन है, ये साइन हैंडशेक का कैसे याद रखने का ट्रिक, ये आपके हाथ जैसा साइन इसमें लग रहा है ना, तो इसीलिए आपका इक्वल का आपका हैंडशेक का साइन होगा। आई होप आपको ये ट्रिक के साथ ये वाला मेथड समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।